आपने आज दिन भर सुर्खियों में एक नाम जरूर सुना होगा, एल्विश यादव। एल्विश यादव वही कंटेस्टेंट हैं जो हाल ही में बिग बॉस ओटीटी का खिताब जीत कर आए थे। उसके बाद से सुर्खियों में थे, खबरों में थे, लेकिन एक बार फिर से सुर्खियों में जरूर हैं। जो कारण है वो अच्छा नहीं है। तो अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि एल्विश यादव कौन है और क्या करते थे। तो सीधे आते हैं उन आरोपों पर जो उन पर लगे हैं। तस्करी का आरोप लगा है और साथ साथ गैर कानूनी तरीके से एक रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करने का आरोप भी उन पर लगा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एल्विश यादव तक जो वन विभाग की टीम थी या नोएडा पुलिस की टीम थी, वो कैसे पहुंची? इन तमाम सवालों का जवाब केवल एक स्टिंग ऑपरेशन में छिपा हुआ है। आपको मालूम है कि एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था एल्विश यादव को पकड़ने के लिए, और ऐसे में ये स्टिंग ऑपरेशन किसने किया, कैसे करवाया गया था, ये अब आप इसकी कहानी सुनिए। दरअसल ये स्टिंग ऑपरेशन जो करवाया गया था, ये था एक एनजीओ की तरफ से। इस एनजीओ का नाम है PFA, यानी कि पीपल फॉर एनिमल्स। ये एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा एनजीओ है जो कि काम करता है जानवरों की देखरेख का, जानवरों की भलाई का, उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। और इसकी जो संचालिका है वो है बीजेपी सांसद मेनका गांधी। तो मेनका गांधी की बाइट भी आपने सुनी होगी खबरों में, आज उनको आपने सुना भी होगा। उन्होंने कहा भी था कि कई बार से, काफी टाइम से उनको शक था एल्विश यादव पर, और ऐसे में ये स्टिंग ऑपरेशन चलाया जाता है। स्टिंग ऑपरेशन चलाया है उनके ही एनजीओ के एक वेलफेयर ऑफिसर ने, जिनका नाम है गौरव गुप्ता। गौरव गुप्ता जिनकी ओर से शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी एल्विश यादव के खिलाफ, और फिर FIR होती है, और अब लगातार कोशिश की जा रही है कि वो उनकी गिरफ्तारी की जा सके, जिसके लिए कई सारी टीमें यहाँ पर गठित कर दी गई हैं। तो गौरव गुप्ता बात करते हैं एल्विश यादव से, जैसा कि खबरें हैं स्टिंग ऑपरेशन को लेकर, और एल्विश यादव फिर उनको नाम देते हैं एक एजेंट का। इस एजेंट का नाम है राहुल यादव। राहुल से बात करते हैं गौरव। गौरव कहते हैं कि उनको एक रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करवानी है, और ऐसे में यहाँ पर कुछ पैसों की डिमांड की जाती है राहुल की ओर से रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। और साथ साथ गौरव ये भी कहते हैं कि रेव पार्टी में उनको तमाम चीजें तो चाहिए ही, ऑर्गेनाइजेशन तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ 11 सांप भी चाहिए। तो फिर यहाँ पर राहुल की ओर से डिमांड पूरी भी लगभग कर दी जाती है, जिसके लिए सेक्टर 51 नोएडा का जो है, वहाँ पर एक मैरिज हॉल है, एक विला, मैरिज विला है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती है पूरी रेव पार्टी। और जो वन विभाग की टीम के ऑफिसर्स थे और साथ साथ जो नोएडा पुलिस की टीम के ऑफिसर्स थे, वो कैजुअल ड्रेस में एक आम आदमी की तरह इस पार्टी में शामिल होने पहुंचते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर वाकई क्या वो सांपों को लेकर वहां पहुंचता है, जो जिस एजेंट का जिक्र यहां पर हो रहा था, राहुल यादव, जो कि एल्विश यादव का एजेंट बताया जा रहा है। और जब वो वहां पर पहुंचते हैं, तो जब राहुल से वो कहते हैं, उस एजेंट से कहते हैं कि क्या सांप आप लाए हो, तो वो जब खोल कर दिखाता है तो हर कोई दंग रह जाता है। तमाम ऑफिसर जो होते हैं वो दंग रह जाते हैं कि आखिर ये वाकई ये सांप का जो धंधा था, जो उनके जहर का जो धंधा था, वो उनकी ओर से इल्लीगल तस्करी यहाँ पर की जा रही थी। तो ऐसे में गिरफ्तारी होती है। राहुल के साथ साथ चार और लोग भी हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और राहुल ने, जैसा कि खबरें हैं कि कहीं कहीं पर उसने एल्विश यादव का नाम लिया है, और ऑडियो भी इसको लेकर एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वही शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता, जो कि एनजीओ की तरफ से काम कर रहे थे, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन चलाया, उनकी और राहुल की बातचीत का एक जो ऑडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ वो एल्विश यादव, अच्छा आपने एल्विश यादव ने आपका नंबर दिया है, इस तरीके से जिक्र करता हुआ वहां पर साफ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से अब तार कहीं ना कहीं एल्विश यादव के साथ साफ जुड़ रहे हैं, क्योंकि राहुल कई बार एल्विश यादव का नाम ले चुका है। हालांकि एल्विश यादव की ओर से भी इस पूरे मसले को लेकर सफाई दी गई, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी कब होगी, अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि टीमें लगातार बना दी गई हैं, और ऐसे में उन पर तस्करी का आरोप तो है ही, साथ साथ इल्लीगल तरीके से रेव पार्टी कराने का भी आरोप है।